स्वागत करते हैं इंडस डिस्पैच में। हम आज मौजूद है तकना विलेज में, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत विलेज बताया जा रहा है। पीछे देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है सरपंच तकना विलेज के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर इंडस डिस्पैच में। सबसे पहले बताइए सर, डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहिए, लद्दाख के डेवलपमेंट के बारे में, खासकर यूटी बनने के बाद। सबसे पहले तो असिफले आपको हमारे गाँव में स्वागत है, साथ ही मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी झूले कहना चाहूँगा। तो यूटी बनने के बाद में लद्दाख में जितने भी मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज है, उसमें मैं अपने मतलब सरपंच के लेवल में जो काम हो रहा है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सरपंच लेवल पे जितना फंड पहले आते थे, मतलब उससे तो फंड तो बढ़ा ही है, साथ ही मेरा मानना यह है कि पहले यूटी बनने से पहले हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ पंचायत करके एक फंड आता था, सीडी नॉर्मल करके एक फंड आता था, फिर 14 एफसी करके एक फंड आता था, ये सब पंचायत लेवल पे हम यूज़ करते थे इसका। अभी यूटी बनने के बाद में क्या हुआ है, अब 14 एफसी तो वैसे भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब 15 एफसी चल रहा है, तो 14 एफसी इस तरह से ख़त्म हो गया है। उसके बाद यूटी बनने के बाद में डेवलपमेंट ऑफ पंचायत में जो फंड आ रहा है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब जो 14 एफसी की जगह पे अभी डायरेक्टर साहब ने हमें ग्रैंड इन ऐड करके एक नया मतलब नया फंड दिया है, जो कि हमने यूटिलाइज करना है यूटी बनने के बाद में। और यूटी बनने के बाद में एक फंड और आया है एसडीपी स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज, वो फंड भी आया है, तो उसका भी हम अपने गांव में अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब काम हो रहा है गांव में। और डेवलपमेंट की बात करें तो बड़े सारे चीजों में हमने इससे पहले भी काफी सरपंचों से बात करी, तकना में खासकर आपके इलाके में किस तरह के डेवलपमेंट हुए और अभी तक हो रहा है, होना बाकी है? जहाँ तक मेरे गांव का सवाल है, तो हमारे गांव में अभी डेवलपमेंट में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में हमारे यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उसी तरह से हमारे यहाँ डीओपी जो कि सरपंच का खुद का फंड होता है, उसमें हमारे यहाँ पे एक कमरा और गेस्ट रूम जैसा, मान लीजिए एक गेस्ट रूम जैसा एक बना हुआ है जो कि पहले से बन गया है, और एक हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एसडीपी में हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक हॉल बना है, जो कि चुशोत ब्लॉक में सबसे शायद सबसे बड़ा होगा अभी तक का, जहाँ तक मेरे को पता चला है कि डायरेक्टर साहब भी बोलते हैं कि तकना में जो हॉल बन रहा है वो सबसे बड़ा बन रहा है यहाँ के चुशोत ब्लॉक में। और बाकी तो आपको पता ही है कि यूटी बनने के बाद में फंड्स आ रहे हैं, यूज भी हो रहा है। जैसे कि हमारे गांव बहुत ही छोटा गांव है, इस मतलब इतने छोटे से गांव में तो मतलब सरपंच के लेवल पे जितना काम हो सकता है उसी में मतलब कहीं और देखने की जरूरत नहीं, अगर करना चाहे लोग साथ दें तो बहुत अच्छी तरह से बहुत काम हो सकता है सरपंच के लेवल पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पंचायत की बात करते हैं, हम पंचायत को कितना पावर दिया गया, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि अगर आपने फंड्स की बात करी, पंचायत में जब आप लोगों के साथ घुल मिलते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, लोगों की किस तरह की परेशानियां ज्यादातर सुनने को मिलता है, क्योंकि आप जमीनी सतह पर काम करते हैं सरपंच, लोगों को किस तरह की परेशानी आ रही है? लोगों को परेशानी तो नहीं, आप परेशानी तो आप कह सकते हैं कि लोगों को नहीं, सरपंच और पंच को ही परेशानी हो रहा है इस मामले में। अभी यहाँ लद्दाख में सरपंच और पंच जिस तरह से चलना चाहिए मुझे लगता है उस तरह से नहीं चल रहा है। जितना पावर बताया गया है किताबों में है कि सरपंच को ये है वो है, इतने बड़े मतलब पावर है, उतना जमीनी स्तर पर नहीं चल रहा है। हमें यह लगता है कि अभी तक हम खाली मतलब सरपंच नाम का सरपंच बन के जितना काम हो सकता है हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों का साथ देना बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर कोई भी काम करे लोगों का साथ नहीं होगा तो वो काम सही से नहीं हो सकता है। इसलिए अभी मुझे लगता है जहाँ तक लेह का सवाल है, खासकर यहाँ मेरे गांव के आसपास में, तो मुझे सभी जगह पे यही लगता है कि सरपंच को जितना पावर दिया गया है उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कहीं पे भी जाए सरपंच को मतलब उतने उसमें से नहीं ले रहा है जितना उनको मानना चाहिए, उतना अभी तक नहीं मिल रहा है। कितने ग्राम सभा होती होगी, कहीं ना कहीं ग्राम सभा की बात करते हैं हम, कितने टेन्योर में, एक महीने में या हर दो महीने में, किस तरह आप ग्राम सभा का आयोजित करते हैं और किस तरह ग्राम सभा में बातें चलती है? ग्राम सभा का बात करें तो ग्राम सभा हर साल 4 बार ग्राम सभा होता है, उसमें से हम ग्राम सभा में सारे डिपार्टमेंट को बुला के उनके द्वारा जितने भी स्कीम है वो सारे गांव वालों को बुला के हम उनके स्कीम को उन्हीं के थ्रू लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। अब आने वाले ग्राम सभा में भी हम वही कोशिश करते हैं कि जितने भी स्कीम हो तो हमारे थ्रू नहीं, डायरेक्ट डिपार्टमेंट के थ्रू उनको पता चले, ताकि वो उनका फ़ायदा ले सके,
ये हमारा कोशिश रहता है ग्राम सभा में। रूरल डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि कहीं भी डेवलपमेंट रखते रूरल डेवलपमेंट की बात है, किस तरह की रूरल डेवलपमेंट काम कर रही है लद्दाख के इस डेवलपमेंट को लेकर, उसना के डेवलपमेंट लेकर, रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट उसके बारे में थोड़ा बताइए। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, हमें लगता है कि पंचायत से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट जैसा हमें लगता है। हमें लगता है रूरल डिपार्टमेंट के बगैर हम ना तो हम कुछ कर सकते हैं, ना तो उनका भी उतना काम चल सकता है। ज़्यादातर हमें लगता है हमारे लिए फ़ायदा है, रूरल डिपार्टमेंट जो है उनका द्वारा हमें पंचायत सेक्रेटरी सब कुछ दिया जाता है, और उन्हीं पंचायत सेक्रेटरी को हमें जहाँ कहीं पर भी काम हो उनका इस्तेमाल होता है। तो मेरा मानना यह है कि सरपंच के लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक बहुत ही मतलब हेल्पफुल और बहुत ही जरूरी डिपार्टमेंट रूरल डिपार्टमेंट है सरपंच के लिए। बहुत सारे सरपंच हमने बात करी कि जो काम चल रहा है, जो खुदाई हो रही है आजकल लद्दाख में, मेरे ख्याल में हर हिंदुस्तान के हर जगह पे जो जल जीवन का काम, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो जल जीवन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, जल जीवन हमारे यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था सगना गांव में, सबसे पहले जल जीवन स्टार्ट हुआ था उस टाइम। ये जो आजकल आ रहा है क्या कौन सा पाइप बोलते हैं आजकल, ये वो लोहे वाला नहीं आ रहा ना, पहले हमारे यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था लोहे वाला पाइप था। तो उस टाइम पे ये भी नहीं होता था कि लोहे वाला पाइप, अभी तो जो ये दूसरा आ रहा है वो बाहर निकाल के उसको इंसुलेट करके रखा जाता है, लोहे वाले पाइप को वो भी नहीं किया जाता है। शुरू तो सबसे पहले हुआ, लेकिन हमारे गांव में अभी तक ख़त्म नहीं हुआ कुछ, हमारी तरफ से भी लोगों की तरफ से मतलब रुकावट हुआ है कुछ, डिपार्टमेंट की तरफ से भी हुआ है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस साल कम से कम हमारे यहाँ 70-80% अभी कंप्लीट हुआ है तो हुआ है, मगर अब सर्दी में चलेगा कि नहीं चलेगा इसका मुझे लगता है कि सर्दी में चलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ले में दो तरह के वो है, एक तो जो स्लोपी एरिया है हो, जैसे हो गया स्टोक मशो नंग स्तगमो ये सब हो गया, और एक हमारे यहाँ छुशोद ब्लॉक में हो गया, जैसे स्तगना हो गया छुशोद हो गया, ये सारा प्लेन एरिया में है। जो स्लोपी एरिया में है वो सारा मुझे लगता है सक्सेस हो सकता है, क्योंकि उसमें पाइप में पानी जमीन जमा नहीं रहता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे वहाँ से पानी छोड़ते हैं, प्लेन एरिया है, पानी सारा पाइप में जमा रह जाता है, तो रह जाता है एक तो वो, दूसरा उतना हमारे यहाँ पे फिटिंग क्या हुआ है कि पहले जो पाइप लगा हुआ था उसी में ज़्यादातर पाइप वहीं पे फिट हुआ है, जो पहले वाले पाइप में वो जो कि उतना नीचे नहीं है, जैसे कि अभी बोलते हैं कि 6 फीट नीचे होना चाहिए वो, क्योंकि पहले वाला 4 फीट के करीब ही नीचे है। तो मुझे लगता है प्लेन एरिया में ये सक्सेस होना मुश्किल लगता है, लेकिन जहाँ जहाँ स्लोपी एरिया है उन सब में तो जल जीवन बहुत सक्सेस हो भी रहा है, होगा भी मुझे ऐसा लगता है, ये खाली मेरा मानना है। अब सरकार का क्या मानना है, सरकार बोलते हैं कि 2024 तक में ये पूरा 100% कंप्लीट करके देना है और चलेगा भी, क्यों नहीं चलेगा, लेकिन अब देखते हैं। इस सर्दी में सर्दी अगर चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, चल जाए तो हमारे लिए भी सबके लिए अच्छी बात है, लेकिन मुझे यही लगता है कि प्लेन एरिया में ये शायद सक्सेस होना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या समस्या स्थगना डेवलपमेंट कर डेवलप हो रहा है आपके लद्दाख डेवलप हो रहा है, क्या अभी भी समस्या है जो आप सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि लद्दाख के लिए ये जो प्रॉब्लम जो वो सॉल्व करे, स्थगना के लिए जो प्रॉब्लम जो वो सॉल्व करे, क्या कुछ परेशानी है अभी भी जल जीवन में? हाँ, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी चीज़ में अभी थोड़ा मुझे तो फिलहाल तो यही पीएचई डिपार्टमेंट में वो जो स्कीम चल रहा है, इतना बड़ा स्कीम चल रहा है जल जीवन मिशन करके, इतना बड़ा मिशन चल रहा है, वो सक्सेस करने की कोशिश हमारा यहाँ पे लगातार चल रहा है। अगर वो सक्सेस हो जाए तो बाकी तो डिपार्टमेंट बाकी तो सारे डिपार्टमेंट के साथ में तो हमने पहले भी जो जो काम करना है वो किया है, जो काम डिपार्टमेंट से हमने लेना है वो लिया है, डिपार्टमेंट ने भी पूरा साथ दिया है, बाकी तो हमें उतना वो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो जो ज़रूरत है वो हम कर देंगे। लेकिन ये जल जीवन मिशन जो है, इस मिशन को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किलें आएंगे मुझे लगता है। फिलहाल इस साल अगर 70% चल जाए, मुझे यही उम्मीद है कि अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी दूसरा कोई डिपार्टमेंट से मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी अगर चाहिए होगा तो वो तो हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कर सकते हैं वो तो। जी, हमारे साथ मौजूद थे स्थगना के सरपंच, जो बता रहे थे काफी कुछ चीजों पर उन्होंने रोशनी डाली कि पंचायत का जो पावर है वो बिल्कुल बड़ा है, और साथ ही साथ फंड्स की बात करें तो फंड्स भी बहुत है, और एक चीज पर उन्होंने थोड़ी सी निराशा जरूर जताई थी कि सरपंच और पंचों पर जो एक पावर दिया जाता है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिए बड़े सारे जमीन सतह पर सरपंच जो पंच होते जो लोगों के साथ घुल मिलकर लद्दाख को डेवलपमेंट में आगे बढ़ाते हैं। और उन्होंने एक चीज और भी कही थी कि रूरल डेवलपमेंट
द्वारा एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो रहा है, जिसके चलते जो डेवलपमेंट है वो काफी हद तक बहुत बढ़िया जा रहा है। और साथ ही साथ स्थगना विलेज की बात करें तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे बड़ी चीजें और एक सबसे बड़ा इस ब्लॉक में सबसे बड़ा हॉल बनने जा रहे हैं, चाहे वो मल्टी यूज हो। उन्होंने ये भी बताया कि ये पर्टिकुलर स्थगना की बात करें तो डेवलपमेंट हो रहा है बहुत खूबसूरत तरीके से, लेकिन अंतिम में दो चार चीजों पर उन्होंने निराशा भी जताई कि जल जीवन का जो काम है वो थोड़ा सा स्लो भी है और कहीं ना कहीं लोगों को उस तरह की परेशानी भी, जो खुदाई हो रही है, जो लीकेज आ रही है उसके लिए फिर से खुदाई करी जा रही है। तो सरकार से अपील करें कि इसको जितना जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन ये चाहते हैं। इंडस डिस्पैच के लिए आशीष दुद्दी ले लद्दाख से।